आज अपन कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र वित्तीय लेखा है ना भाग एक पढ़ेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आपको आज लेखांकन की विशेषताएं पढ़ाऊंगी। आपने इसके पहले बेटा लेखांकन का अर्थ परिभाषा और उसके उद्देश्य पढ़े होंगे, ठीक है। अब और लेखांकन का इतिहास, अब लेखांकन की विशेषताएं। तो लेखांकन जो परिभाषा आपने इसके पहले पढ़ी थी बेटा, परिभाषा से स्पष्ट है कि लेखांकन लेखा जो हिसाब किताब किसी भी फर्म का किसी भी उद्योग का लेखा। लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों इसकी पहली विशेषता है बेटा। विज्ञान का अर्थ होता है विस्तृत ज्ञान का अर्थ, मतलब जो भी अपन विज्ञान में जो भी पढ़ते हैं विस्तृत ज्ञान का अर्थ, अथवा ज्ञान प्राप्त करना, जानना किसी भी चीज़ को जानना मतलब ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी वस्तु के विस्तृत या क्रमरद्ध विस्तृत मतलब पड़े फैला हुआ अच्छे से विस्तृत और क्रमरद्ध मतलब सिक्वेंस वाइज मतलब जमे हुए ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। लेखांकन प्रतियोगी प्रतिक्रिया के अंतर्गत किसी भी वित्तीय व्यवहार को विस्तृत रूप से निश्चित क्रम में पुस्तकों में लिखा जाता है। जो वित्तीय व्यवस्था होती है बेटा, जो लेखांकन प्रतिक्रिया होती है उसको किसी भी वित्तीय व्यवहार में विस्तृत रूप से और निश्चित क्रम में एक पुस्तक में लिखा जाता है, उसे लेखांकन का एक विज्ञान है। मतलब जो क्रम से एक निश्चित उस पर पुस्तक में लिखा जाता है उसे लेखांकन का विज्ञान कहा जाता है। और कला का अर्थ होता है किसी भी कार्य को निश्चित रीति से करना, मतलब जो कला है उसको किसी भी कार्य को निश्चित मतलब अच्छे से निश्चित मतलब समझ के करना कहलाती है कला। दूसरा है वित्तीय या मौद्रिक व्यवहार। वित्तीय से मतलब तो बच्चों आप समझते ही हो, वित्तीय मतलब जो अपनी वित्तीय अवस्था कहते हैं ना, वित्तीय अवस्था राशि से पूंजी से होता है। या मौद्रिक व्यवहार, वित्तीय या मौद्रिक मतलब मुद्रा को मौद्रिक व्यवहार। लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों या घटनाओं का लेखांकन किया जाता है जो वित्तीय प्राकृति में हों और मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जा सके। मतलब जो लेखांकन है उसकी वित्तीय प्राकृतिक हो और उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके। गैर मौद्रिक व्यवहारों को कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो लेखांकन नहीं किया जाता ना, जो मुद्रा से संबंधित कार्य नहीं होते ना व्यवहार में नहीं आते, कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो सो लेखांकन में नहीं लिखा जाता। फिर है निश्चित पुस्तकें। व्यावसायिक सौदों को तब जो व्यावसायिक सौदे होते हैं कुछ निश्चित पुस्तक में ही लिखा जाता है। अपन व्यवसाय में जो आय प्राप्त होती है, जो व्यय करते हैं, जो रोकड़ प्राप्त होती है, ये सब अपन व्यावसायिक सौदों को एक निश्चित पुस्तक में क्या करते हैं लिखते हैं। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली में लेजर जनरल लेजर से अपन महाजनी प्रणाली में कच्ची रोकड़ वही पक्की रोकड़ वही खाता वही आदि बनाते हैं। जो पुस्तक होती है उसे अपन देख दोहरी लेखा प्रणाली से और एक लेजर बनाते हैं, जनरल लेजर बनाते हैं, और महाजनी प्रणाली से जो महाजनी प्रणाली जो पुराने समय में चला करती थी वो कच्ची रोकड़ वही और पक्की रोकड़ वही आदि बनाते हैं। फिर है लेखा प्रणाली। तो लेखा प्रणाली क्या है? एक निश्चित प्रणाली के आधार पर, मतलब एक जो अपन निश्चित कर लेते हैं क्या है प्रणाली के आधार पर किए जाते हैं। भारत में दो प्रणाली प्रचलित हैं, अंग्रेजी लेखा प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली या महाजनी या भारतीय बही खाता प्रणाली। तो कितनी प्रणाली होती है भारत में? दो प्रणाली बहुत प्रचलित है बेटा, एक अंग्रेजी में लेखा प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली। जो लेखा प्रणाली है उसको दोहरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं, तथा महाजनी में भारतीय प्रणाली और बही खाता प्रणाली होती है। सबसे पहले लेंगे बेटा दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन और सौदों का क्या किया जाता है? दोनों रूप में अर्थात नाम तथा जमा का लेखा जोखा किया जाता है। इस प्रणाली में जो लेन देन होते हैं, सौदे होते हैं, वो दोनों रूपों में नाम। दोहरा लेखा प्रणाली में एक रूप
में डेबिट और दूसरे रूप में क्या होता है बेटा, क्रेडिट से संबंधित होती है, डेबिट और क्रेडिट। इस प्रणाली को आधुनिक तथा वैज्ञानिक, मतलब यह प्रणाली जो कैसी है बेटा, आधुनिक और वैज्ञानिक है। इसमें सर्वोत्तम प्रणाली माना जाता है, कौन सी प्रणाली को, दोहा लेखा प्रणाली को सर्वोत्तम प्रणाली माना जाता है। इस प्रणाली को व्यवहारिक पद्धति भी कहा जाता है, मार्केटिंग सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए, लाभ हानि खाता बनाते हैं बेटा और एक आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, और इसको मार्केटिंग सिस्टम की प्रणाली के अंतर्गत अपन इसको उपयोग करते हैं। फिर है दोहरा लेखा प्रणाली, तो प्रत्येक लेन देन या सौदे के रूप को ना नाम तथा जमा का लेखा किया जाता है, एक रूप में डेबिट और दूसरे रूप में क्रेडिट होते हैं। तो यह प्रणाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक है। कैसी है यह प्रणाली, आधुनिक तथा वैज्ञानिक। इसे सर्वोत्तम प्रणाली माना गया है। इसमें व्यवहारिक खाते, मतलब जो व्यवहारिक खाते होते हैं उसमें लाभ हानि का खाता होता है, आर्थिक चिट्ठा भी बनाया जाता है। फिर इसके बाद है बेटा इखेरा लेखा प्रणाली। इखेरा, इखेरे से ही मतलब अपना एकल है ना। इस प्रणाली में व्यापारी कुछ लेन देन एक रूप में लिखा करते हैं, मतलब जो एक इखेरा लेखा मतलब समझ, इखेरा से मतलब एक ही होता है ना, तो उससे मतलब समझ में आता है व्यापारी कुछ लेन देन एक रूप में लिखा करते हैं, कुछ शब्दों के रूप में लेखा, कुछ सौदों का लेखा छोड़ देते हैं, मतलब जो सौदे होते हैं उन पर वो लेखा छोड़ देते हैं। ऐसे कई कारणों से किया जाता है, जैसे धन की कमी, लेखा का पूर्ण ज्ञान न होना, अज्ञानता आदि। इस प्रणाली को बही खाते में कहा जाता है, मतलब जो ये प्रणाली है, जैसे धन की कमी, लेखा का पूर्ण मतलब ज्ञान ना होना, अज्ञानता आदि, इस प्रणाली को अपने बही खाता भी, मतलब आप उसे बही खाता प्रणाली भी कह सकते हो, मतलब कहते हैं, कहा जाता है। फिर है रोकड़ प्रणाली। रोकड़ से मतलब पैसा ना, नगद पैसा, जो अपन नगद किसी से लेन देन करते हैं उसे रोकड़ प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत नगद लेन देन का लेखा किया जाता है, मतलब जो रोकड़ प्रणाली है उसमें नगद लेन देन किया जाता है, तब अपन को किसी को देना है या लेना है, व्यापार में जो भी कार्य लेन देन के किए जाते हैं वह रोकड़ प्रणाली में किए जाते हैं। उधार लेने देने का लेखा उसी समय किया जाता है जबकि उनका रोकड़ में भुगतान हो जाता है। जिन संस्था में लेन देन नगद में हो किए जाते हैं तथा जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उनके द्वारा रोकड़ प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी संस्था में लेन देन जो होता है वो नगद होता है, है ना, और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता तो वहाँ पर रोकड़ प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्म संस्थाएं, पुस्तकालय आदि जो है वो लेखा प्रणाली के आधार पर रखे जाते हैं। फिर है भारतीय प्रणाली। क्या भारत में प्रचलित, मतलब जो भारतीय प्रणाली है वो भारत में प्रचलित है। इस प्रणाली में भारतीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख कौटिल्य ने, तब कौटिल्य जो थे वो, उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि अर्थशास्त्र में मनुस्मृति, अर्थशास्त्र है एक अर्थशास्त्र विषय है जिसका अध्ययन आप करते हो बेटा कला और वाणिज्य दोनों में, ये मनुस्मृति के पूर्ण व विशुद्ध रूप में किया गया है। इस प्रणाली में लंबी बाही बहियाँ प्रयोग में की जाती हैं। लेखा देसी भाषा जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, उड़िया, मतलब सभी भाषाओं में ये होते हैं, वाले लेखे जो होते हैं भारतीय प्रणाली के जो लेखे होते हैं वो सभी भाषा में होते हैं। इस प्रणाली के अनुसार कच्ची और पक्की रोकड़ खाता बही, मतलब एक कच्ची रोकड़ खाता बही और एक पक्की रोकड़ खाता बही, इसी तरह भारतीय प्रणाली में
बच्चों कच्ची और पक्की रोकड़ खाता बही तथा सहायक बाहियां जो होती हैं खाता बहियां मतलब रखी जाती हैं। यह प्रणाली सरल है। इस प्रणाली को देसी बही खाता मतलब भारतीय प्रणाली जो है वो कैसी है, सरल है, और इसे देसी बही खाता अथवा महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। फिर है नियमित लेखा। व्यवसायिक व्यवहार को लेखा नियमित रूप से तिथिवार मतलब जो नियमित रोज लिखते हैं, नियमित से मतलब प्रतिदिन रोज है ना, तो जो व्यवसायिक क्रम होते हैं वो डेली जो होते हैं, व्यवसायिक व्यवहारों का लेखा जोखा नियमित रूप से तिथिवार निर्धारित नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। वर्गीकरण करना, लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए सौदों को वर्गीकृत किया जाता है, मतलब जो सौदे होते हैं वो लेखा पुस्तकों में क्या किए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं, सौदों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्राकृतिक के सौदे एक स्थान पर एक समूह में छांटकर खातों में लिखा जाता है। फिर इसका सारांश, सारांश तैयार करना एक ऐसी कला है मतलब सारी चीज़ों का सारांश का पूरा एक एग्जाइट ना, जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए आंकड़ों को इस ढंग से पेश किया जाता है कि प्रबंधकों को अन्य व्यक्तियों को समझ में, प्रबंधकों और अन्य व्यक्तियों को क्या हो जाए, ये समझ में आ जाए। तो इसका सारांश कैसे लिखना चाहिए बेटा, वर्गीकृत किया जाता है आंकड़ों को, और आंकड़ों को कैसे ढंग से लिखा जाता है कि प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्तियों को आसानी से ये समझ में आ जाए। उसके लिए सिद्ध हो उपयोगी है, इसके लिए खाता बही के समस्त खातों के शेष निकाले जाते हैं, मतलब जो बही खाते होते हैं उनके समस्त खातों के जो शेष होते हैं वो निकाले जाते हैं और उसकी सहायता से तलपट तैयार किया जाता है, और तलपट की सहायता से अंतिम खाते क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। कैसे, तलपट के सहायता से अंतिम खाते क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इसलिए व्यापारिक खाता या लाभहानि खाता स्थिति विवरण सम्मिलित होते हैं, मतलब व्यापारिक खाते और लाभहानि खाते इसमें सम्मिलित होते हैं। व्यापारिक खाता वर्ष के दौरान सकल लाभ मतलब पूरे वर्ष के दौरान आपको कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, सकल मतलब कुल और लाभ और कुल हानि, तो इकाई से ज्ञात की जाते हैं व्यवहारिक खाता। व्यवहारिक खाता वर्ष के दौरान सकल लाभ सकल हानि को जानने के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि खाता वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ हानि को जानने के लिए तैयार किए जाते हैं। जो लाभ हानि खाता है वो वर्ष के दौरान कितना शुद्ध लाभ हुआ कितना शुद्ध हानि हुई यह जानने के लिए क्या किया जाता है बेटा, तैयार किया जाता है। स्थिति विवरण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। लेखांकन का वर्गीकरण तथा सारांश तैयार करने के लिए लेखांकन की प्रक्रिया या लेखांकन चक्र भी कहते हैं। तब जो लेखांकन का वर्गीकरण और सारांश तैयार करने के लिए लेखा बनाया जाता है उसे लेखांकन की प्रक्रिया या लेखांकन का चक्र भी कहते हैं। फिर बही खाता और लेखा शास्त्र में क्या संबंध है, बही खाता या लेखांकन एक ही भाग है, तब जो या बही खाता कहेंगे बेटा या लेखांकन इनका एक ही भाग है, अतः दोनों के बीच कोई सर्वमान विभाजक रेखा नहीं है, तब इसमें कोई एक कोई वो नहीं है कि अब ये अलग है कि ये अलग, कोई सर्वमान्य विभाजक रेखा नहीं। वित्तीय व्यवहारों को लिखने हेतु उपयुक्त पुस्तकों में रखना, पुस्तक में एक निश्चित रीति से व्यवहारों का लेखा करना बही खाता का कार्य माना जाता है। जो पुस्तक होती है वही पुस्तक होती है उसमें एक निश्चित रीति में मतलब जो एक निश्चित उसके जो रेशो होते हैं उनके व्यवहारों का लेखा करना बही खाता का कार्य क्या होता है बेटा, कार्य माना जाता है। बही खाता द्वारा सूचनाओं का विविधि पर वर्गीकरण करना, तैयार करना, अंतिम खाते बनाना, लेखांकन का कार्य करना, बही खाते का कार्य जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन का कार्य क्या होता है, प्रारंभ होता है, मतलब जो
तैयार करना, मतलब जो बही खाते होते हैं उनका कार्य माना जाता है क्या? निश्चित रीति के व्यवहारों का लेखा करना बही खाता का कार्य माना जाता है। बही खाता द्वारा सूचनाओं का विविधित वर्गीकरण, मतलब उसका पूरा विवरण वर्गीकरण करना, तैयार करना, अंतिम खाते बनाना लेखांकन का क्या है? कार्य है। बही खाते का कार्य जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन का कार्य शुरू होता है। बही खाते के बिना लेखांकन संभव नहीं है, तो जो बही खाता है उसके बिना लेखांकन का कार्य संभव नहीं है। लेखांकन के बिना बही खाते का भी कोई उपयोग नहीं है। अगर बही खाता क्या रहेगा तो लेखांकन के बिना उसका भी कोई उपयोग नहीं। धन्यवाद बच्चों।